हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और ये वीडियो है यूपी टीईटी कोर्ट केस अपडेट 31 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज 31 जनवरी को कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि आप सभी लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कोर्ट केस की कार्यवाही कहाँ तक आगे बढ़ी, इसमें क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो अभी तक क्लियर नहीं हैं, और शासन का आप लोग देख ही रहे हैं, किसी चीज़ से आप लोग अनजान नहीं हैं, सारी न्यूज़ आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आज का भी सुन लीजिए कि आज क्या हुआ। देखिए, कल बात हुई थी ना कि सीनियर बेंच में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब वो जज नहीं कोई दूसरे जज आएंगे और वो इस केस को देखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये हुआ। आज जो है ये केस जो है लग गया दूसरे के बेंच में, और वहाँ पर 22 नवंबर से लेकर के आज तक का पूरा डाटा प्रस्तुत किया गया। सारी चीज़ें फिर से नए सिरे से कोर्ट के सामने रखी गई। जज दूसरे थे, उन्होंने सारी चीज़ों को सुना, लेकिन अब इस मामले को काफ़ी सेंसिटिव बताते हुए उन्होंने कल तक का और जो है समय टाल दिया है, और पीएनपी वालों को कहा है कि किसी जिम्मेदार अधिकारी के साथ वो लोग अपना जो है प्रोफार्मा सूचित करें, उनका क्या है कैसे है। और देखिए, आप सब के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अब ये फैसला फिर कल के लिए टल गया है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेट है वो एक एक दिन में लग रही, मतलब ये फैसले ने, इस मैटर ने तूल पकड़ लिया है, ये एक गले की हड्डी बन चुका है, जिसे अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों की जीत होती है या प्रशासन की। हालांकि ये लड़ाई जो है वो सच्चाई की है, यहाँ पर नंबर बढ़ने चाहिए, हमारे पास साक्ष्य हैं, सारी चीज़ें हैं, उन लोगों के पास नहीं है तो वो लोग दिखाएं, जो भी उनके पास है वो भी अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अदरवाइज़ न्यायपालिका पर हम लोगों को पूरा भरोसा है, डोंट वरी। देखते हैं ये केस 5 फरवरी से पहले फाइनल होता है, या फिर अगर उसके बाद फाइनल होता है तो लिखित परीक्षा में इन बच्चों को बैठाने के लिए फॉर्म फिलिंग की डेट को एक्सटेंड किया जाए। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मान के चलिए कि आज जो भी सुनवाई हुई इसका फैसला कल फिर से जो सुनवाई होगी उसमें आ सकता है, नहीं तो फिर कुछ और हो सकता है, क्योंकि अब डेट बहुत जल्दी जल्दी लग रही है। तो ये अपने अंत की ओर है, इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा, चाहे जीत का हो या हार का। तो दोस्तों इंतज़ार करें, कल 1 फरवरी की जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, इसे सभी के साथ शेयर कर डालें, कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो इससे रिलेटेड हो और इसे ना देखे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।